करने जा रहे हैं मॉन्टेस््यू कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन सबसे पहले हम मॉन्टेस्क्यू की कुछ बायोग्राफी जान लेते हैं मोन्टेस्क्यू जो थे वो मोस्ट पॉपुलर फलासफ़र थे एटीन सेंचुरी के और मॉन्टेस्क्यू जो के जो फादर थे वो थे एक वो एक फ्रेंच लॉयर थे इनके कुछ मेन वर्क्स थे जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स थी द पर्शियन लेटर जो उन्होंने लिखी थी सेवनटीन ट्वेंटी वन में and another book was written in 1734 which is the reflections and the causes of greatness and decline of the roman empire and the uh, oh, next book thi at the last book jo unhone jo bhi wo bhi unhone 1734 mein hi likhi thi jo thi the spirit of laws और जो spirit of laws थी ये क्या था एक Montesquieu का masterpiece मास्टर था तो नाउ अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे द कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन सो जो का कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन है इसमें वो uh, बताते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने कोई सच कंक्रीट uh, थ्योरी uh, नहीं दी थी रेवोल्यूशन को लेकर बट उनकी जो राइटिंग्स थी वो uh, उनमें बताया गया था कि फ्रीडम के बारे में और उन्हीं की उनकी जो राइटिंग्स थी उसमें उन्होंने क्या किया था बताया था कि हेल्प की थी कैसे उन्होंने स्पार्क किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को उनका जो मास्टर था द स्पिरिट ऑफ लॉस वो उन पर कैसे इफ़ेक्ट किया मतलब उनका जो तानाशाही रूल चल रहा था फ्रांस के अंदर वो मतलब वो जो रूल था वो उसके उप, उनके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट किया और कैसे इन्फ्लुएंस हुआ इन्फ्लुएंस हुए वो उनसे और क्या क्या मतलब उनसे क्या रेवोल्यूशन आया वो सब चीज़ों के बारे में ये मनटेस्की उसमें बात करते हैं अब वो बताते हैं कि लॉकी और थॉमस जेफरसन की तरह जो मंटेस्की थे वो हम वो भी क्या करते थे बिलीव करते थे कि इसमें जो पीपल हैं वो क्या है इक्वल हैं वो क्रिएटेड इक, मतलब इक्वली बनाए गए हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जो उनका इंप्रेशन था वो निगलेक्ट करता था किसके डिवाइन डि ऑफ स्टेट के आइडिया को लेकर और जो डिवाइन राइट्स थे किसके किंग्स और मोनार्क्स के सो जो मेन इन्होंने इस कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन में जिससे वो जो भी उन्होंने क्या इफेक्ट हुआ जो इन्फ्लुंसिस हुए जो जो उन्होंने रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस आए वो उसके बारे में बात बताते हैं कि रेवोल्यूशन मोटेस्क्यू जो थे वो क्या सोचते थे उन्होंने अपने कंटेक्स्ट में बताया था कि जो किंग है उनके पास क्या होना चाहिए कोई भी नेचुरल या डिवाइन राइट नहीं होना चाहिए रूल करने के लिए एंड जो पीपल हैं उनके पास राइट right होना चाहिए किसका रिबेल करने का और मतलब अगर उनको वेजेस टाइम पे नहीं मिल रहा तो वो उसका अगेंस्ट क्या कर सकते हैं रेवोल्यूशन कर सकते हैं और कोई अत्याचार कर रहा है उन पर मतलब जो अत्याचार रूलर्स हैं मतलब उनके ऊपर अत्याचार करते हैं या फिर ताना अपनी तानाशाही जताते हैं मतलब कि डोमेस्टिक रूल मीन्स तानाशाही टैरानिकल मीन्स की अत्याचार तो मतलब कि जो भी मतलब कि कोई अत्याचार कर रहा है उन पर या फिर कुछ अपना मतलब कि क्या कहते हैं तानाशाही जता रहा है तो और अगर उनको वेजिस नहीं दे रहा टाइम पे तो वो उसके अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं वो रिबेल कर सकते हैं मतलब कि सॉरी उनके पास राइट है कि हाँ वो रिबेल कर सकते हैं रेवोल्यूशन ला मतलब उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं वो एंड इन दी एंड वो कहते हैं कि जो इनका जो कंसेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर वो किसको उसने एक न्यू कंसेप्ट को जगाया था मतलब उजागर किया था जो था चेक्स एंड बैलेंसेस जिसका मतलब है कि कोई भी सिंगल ऑर्गन है गवर्नमेंट गवर्नमेंट का उसके पास मोनोपोली नहीं होनी चाहिए मतलब एक एक अधिकार नहीं होना चाहिए मीन्स कि ए, आप ये नहीं कह सकते जैसे हमारे थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें अगर हम एक ही गव एक ही जो ऑर्गन है उसको सबसे ज़्यादा पावर्स दे दें तो वो सही नहीं होगा तो हमें क्या करना चाहिए कोई भी सिंगल ऑर्गन जो है उसको मतलब ज़्यादा वो नहीं देना चाहिए मतलब कि एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए उनको क्या करना चाहिए एक्सरसाइज uh, की मतलब कि जो एक ऑर्गन है वो बाकी वाले ऑर्गन्स के ऊपर मतलब से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए उनके पास क्योंकि वो सुपीरियर uh, होगा तो ऑफकोर्स की बात है वो इंफीरियर्स पे क्या करेगा रूल करेगा सो यही था कंसेप्ट ऑफ रेवल्यूशन बाय मॉन्टेस्क्यू सो आई थिंक आपको समझ आया होगा लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू